तैयारी चल रही एग्जाम्स की। क्या हुआ कैंगरू, अरे मारा भी नहीं, तो मुंह बंद रखो। बटर नान, ये हो गया बटर नान, ये हो गया चिकन। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो भाई पिछले हफ्ते व्लॉग नहीं आया था, उसका रीजन ये था कि भाई लास्ट वीक जब मैं एडिटिंग करने बैठा अपना रील, और भाई इंस्टाग्राम पे अपन हफ्ते में एक बार रील भी डालते हैं, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। तो मैं रील बनाएंगे बोल के जब एडिट करने बैठा तो मेरे आँख आप चल रहे थे, तो मैं लाइट ले लिया और बोला कि ये हफ्ते का व्लॉग भी लाइट ले लेंगे बोल के। लेकिन जैसे ही मैं ये डिसीजन लिया कि भाई ये हफ्ता व्लॉग नहीं डालेंगे बोल के, वैसे ही अपने घर में एक्शन शुरू हो गया। एक्शन इन द सेंस, 3 दिन तक इसकी तबीयत खराब थी। चलो तुम्हारी जान भी देखने लगा जाएगा। कैसी है तबीयत आपकी? फिर उसके बाद आद्या की तबीयत खराब हुई। इनू है पेशेंट नंबर 2 जो उल्टियां करके बैठे हुए थे। उसी में अपने दीदी भी आए थे गुजरात से। तो भाई अपना शाही आया सो है गुजरात से, शाही अकेला नहीं, तेरा दीदी के साथ ही आया सो वो भी। पिछली बार से चेंज इस बार का क्या है भाई? सर पे बाल आ गए। उसे बाल पहले से थे लेकिन इन्हें बाल लुक लगाता था। ज्यादा ही लुक चेंज हो गया तुम्हारे नजर में। ये बस्केट सेट भी हो रहा है लेकिन। और ये रहे दीदी अंगद के साथ बैठ के। भाई अंगद भाई क्या कर रहे? भाई सब जने बाहर खेल रहे थे और अभी घर में बन रही बिरयानी प्रोसेस में है। वैसे दीदी को आके 3-4 दिन हो गया सो है, कल रिटर्न टिकट है तो कल जाने वाले हैं, तो आज बिरयानी बना के खाते कल जाते हैं। तो ऐसा दीदी आए भी थे और चले भी गए। फिर उसके बाद मैं गया डेंटिस्ट के पास, मेरा अपॉइंटमेंट था क्योंकि 1-2 कैविटीज हो गए सो अपने को। आज और एक बार जाना है सेकेंड सेशन के लिए, वो क्लीनिंग और थोड़ा पॉलिशिंग करते करते। 2 days later. मेरे दांतों की क्लीनिंग और पॉलिशिंग दोनों भी हो गई सो है। आप लोगों को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोगों के दांतों में है कैविटी तो भाई जाके बता लो, और रेगुलरली कुछ भी खाए तो मुंह में पानी डाल के जो खुला करते हैं वो खुला रेगुलर करो, क्योंकि कैविटी आने का मेन रीजन वही रहता है कि दांतों में यहाँ वहाँ फंसे हुए रहते, और फंसने की वजह से ही कैविटी शुरू होती है अपने को। अपने जितने भी बच्चे हैं पूरों के एग्जाम डेट्स आगे सो है। कब से ये एग्जाम्स आपके? 13 टफ। अरे दाता बताओ, दोनों दाता चाइना गेट खुल गए सो है। टीचर आज क्या बोल रहे थे समर के ऊपर? आद्या बोल रही थी सर के पीछे दिखेला, बोले डोंट प्ले अंडर द सन बोले होंगे जी। ध्रुव की क्लास टीचर जो समर टिप्स देना था दे दिए। आज ही अपने को समर आ रहा तो 2-3 चीजें ध्यान में रखना पड़ता। सीजन चाहे कौन सा भी रहने दो, अपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी रहता, और समर में सबसे ज्यादा लगती प्यास, तो डायरेक्टली फ्रिज में से पानी निकाल के नहीं पीना। मेक श्योर आप लोग मट्टी का जो घड़ा रहता है वो खरीद लिए तो ज्यादा अच्छा है, उसका पानी पीना बहुत ज्यादा अच्छा रहता कंपैरेटिवली फ्रिज के वाटर से। तो ड्यूरिंग समर स्पेशली कोकोनट वाटर कंज्यूम करो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में वाटरमेलन, मस्क मेलन, बिटर गॉर्ड, कुकुम्बर, ये चीज़ें हैं जो अपना समर में ज़्यादा कंज्यूम करें तो अच्छा रहता। और खाने के बाद प्रिफरेबली दही खाए तो ज़्यादा अच्छा, अगर दही नहीं खा रहे तो बटर मिल्क बना के पी ले तो उससे और ज़्यादा अच्छा रहता समर। तो ये जो थोड़े टिप्स है समर के, ये फॉलो कर ले तो अपना समर छिट जाता समर। 3 hours later. जैसे कि एग्ज़ाम के डेट्स आ गए सो है, तो भाई यहाँ पे भरपूर तैयारी चल रही एग्जाम्स की। कौन सा नंबर है वो? 69. वेरी गुड। और मैडम आप क्या पढ़ रही? 7 9 10 table. तुम क्या पढ़ रहे? 7 table. 7 table लिख रहे हैं। तुम क्या पढ़ रहे? मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन वॉकिंग कर रहे कर लो। भैया कहाँ है जी? भैया नहीं दिख रहे तुम्हारे। दादी क्यों रूम में है? क्या कर रहे चाचा, तुम अलग देख क्यों पढ़ रहे? क्या बात है। अरे इतने गोलियां किसको मार रहा भाई, इतने तो लोग भी नहीं है इधर। तो भैया तो फुल फ्लेज तैयारी कर रहे एग्जाम की, अच्छा से अपना पढ़ ले रहे, लेकिन इन लोगों की तैयारी में अपन जरा खाना इन लोगों को अच्छा खिला दे तो इन लोगों का दिल खुश हुआ था और दिल से पढ़ते। तो इसके लिए आज बन रहा चिकन करी, पुदीना राइस विथ बटर नान। बोलो बेटा 1 to 100 बोलो तुम अब। 1 2 3 4 5 6 मैं अभी थोड़ा गुस्सा कर रहा, नंबर्स पूछ के तो उन्होंने रोल लेते चले गए। इधर आओ साहब आओ, स्टार्टिंग से एक बार 100 तक बोल दो और चल जाओ, 3 गिने तलक अगर तुम नहीं आए तो मैं उधर आता हूँ। फिर 1 1.5 2, अपनी तो इज्जत ही नहीं है इधर।
गजब बेइज्जती है। लकड़ी लाओ जी, आ दिया नहीं मार तू इधर आओ। हेलो जी, रख दो। क्या हुआ कैंगरू, रे मारा भी नहीं तुम, बुला रहे तो भी नहीं आ रहे तुम, हाथ में गन ले लेके आए फिर मार दिए सर कहीं। मार देते क्या मेरे को, मार देते भाई। कह रहे कान में डाल रहा पेंसिल लेके आ रहे, उसके हाथ में से पेंसिल लो जी। अभी नहीं रोता, अब ले रहे हाथ में से, ले रहे, रोने दो उसको। हाँ दे दो इधर, दे दो, रो लो तुम जाके। यहाँ पे नहीं रो रहा, यहाँ पे नहीं रो रहा। कहीं करो ऐसे है तुम ना, हम ना नहीं रहते थे, रहती थी बातों को। भैया ABCD बोलते, मुंह बंद रखो जरा, अरे मुंह बंद रखो जरा, अरे इसका गुस्सा देखो इसका। आप जाओ, आप उधर जाओ। अभी अंगद अपना मजा पूरा किरकिरा कर दिया, ऐसा बोले तो भाग गया सो आने, क्योंकि अभी डिनर भी करना है। फिर कैमरा लेके बैठे तो मुंह खुला लेके बैठते और ना कुछ भी नहीं बात करते। फिर कदा खड़े हुआ है, देखो मार देता मेरे को, अंदर जाने नहीं देता मेरे रूम में। A few moments later. तो भाई अपने अंगद भाई कुछ जैसे तैसे मना के राजी कर लिए हैं हम लूडो में स्नेक एंड लैडर खेलने के लिए। क्या बात है, तुम्हारे चाची काट दिए तुम्हारे को। यारो साइम का चैंपियन है यारो, इन्हें तो स्नेक एंड लैडर में हरा दिया ना मेरे को भी। क्या बोले, बेइज्जती होगी? हाँ जी बेइज्जती होती है। हारे तो बेइज्जती कब होती मालूम, हारने के डर से नहीं खेलने से बेइज्जती होती। क्या बात है सर, क्या बात, हारे तो बेइज्जती नहीं होती, समझे? और यहाँ पे बनना शुरू हो चुका है इनफैक्ट। क्या बोलते है वाटर मैन, ये बात, ये घी, घी है बटर है? अच्छा घी डाले डाले आदत है अपने घी बोलने की। क्या बात, मन तो कर रहा है उठा के खा ले, लेकिन भाई बनने के बाद खा के बताना ही है। और ये है अपना चिकन, बढ़िया तरीके से बन के रेडी है। ये हो गया बटर नान, ये हो गया चिकन, ये रहा अपना पुदीना राइस। देख क्या बात है, वेरी नाइस। तो गाना गाना लगा के नया नाच रहा, नया नाच रहा, नाटू नाटू का बाइट के स्टेप डालता है। और वहाँ पे डिनर भी रेडी हो गया सो है, लाया जाए डिनर। पानी निकाल लिए सब कोई अपना अपना, और सबसे पहले अंगद भाई अपना खाना लेके आ चुके हैं। भाई अच्छा डांस करे, अब जाओ ना उधर देख लो ना तुम्हारी टीवी। लो भाई सलाद लेके खाओ। तो ये आ गया अपना चिकन, पुदीना राइस और बटर नान। वेरी गुड भाई, सलाद लेके शुरू हो गए, अपन भी खा लेंगे पहले सलाद, पहले नान का बाइट लीजिए भाई, पहले दो गेटा खुल ले सामने के। एक्सेलेंट है कहते। और भाई तुम लिए बाइट पहली बार, आओ लिए ना, कैसा है? चाय कहते चार स्पून लेके आओगे। ये लेंगे भाई पहला बाइट अपन, मसाला देखेंगे कैसा टेस्टी है कि नहीं। चटक है चिकन तो, चिकन चटक है। नींबू गारा जाए, बाइट इज सेक्सी। बहुत जबरदस्त बना सो जी बटर नान। समर में अगर चिकन खा रहे तो एक छोटी सी नोटिस है कि भाई थोड़ा देख के खाओ, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा हीट में रहता, उसमें अगर मौसम भी गर्म है ये भी ज़्यादा अगर खा लिए तो ढक्कन खुल जाता। फिर इनके चाची के पास जा रहा अभी ने खाने के लिए, मैं तो इन्हें पकड़ पकड़ करते रहता वीडियो में, लेकिन इसको खाना नहीं आता बोल के इनके चाची के पास भेज रहे। जाओ खाओ जरा ग्रेवी, क्या बात है। मजा आ गया, क्या बात है। तो पहले खत्म करते हैं एक रोटी, इस वाले पीस को डायरेक्टली आ जाए।
इनका देखो, एक बटर नान खत्म करे बस हो गया, कहते ठीक है जाओ, फोर्स नहीं करना। अपना भी बटर नान खत्म हो गया भाई, लगभग खत्म। अब ये है भाई चावल के साथ, इनका भी हो गया, एक एक बटर नान क्या खाया, खत्म ही छो गए ना। तो ये रहा अपना भाई, चावल के साथ तो एक अलग ही मारता भाई सी। ये रोटी खाए बोल के ज्यादा टेस्टी दिख रहा है कि चावल के साथ, नहीं चावल के साथ ही ज्यादा टेस्टी रहता कि, नो आइडिया। देखिए भाई लास्ट बाइट है और ग्रेवी अपनी डोमिनेशन में है, पूरा मिला लेंगे, पूरा लाल कर लेंगे तो इसलिए ये रहा बाइट। ऑलरेडी पसीने आ रहे, पूरा ग्रेवी का टेस्ट मिल के आ रहा भाई। तो भाई अब ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद मिलेंगे भाई इससे आप। डिनर तो कंप्लीट हो गया अपना, पूरे टेक्निक पूरे चीज़ का मालूम हो गया सर बच्चे अपने किलों को। क्या टेक्निक का मालूम हो गया, खाने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना जी खाने के बाद जरा बोलो। कूदना नहीं, और क्या नहीं करना, सोना नहीं, और क्या नहीं करना, भागना नहीं। वेरी गुड, हेल्थ कोच है अपने घर के हमें। अभी नो हाई स्कूल में जाने वाला है चिच्चा है नो, तो उसके लिए कल फेयरवेल पार्टी है तो लेके आना कहते कुछ तो भी, चिप्सो गिप्सो कुछ तो भी। अभी रात को बोल रहे हो, टाइम हो रहा 8, तो अभी जाएंगे उनको कुछ दिला लेके लाएंगे, कटे ना तो उनकी इज्जत गिर जाती फिर। तो ये लेके आए सो अपने कृष्णा भाई टीचर जो है, चिप्स कोल्ड ड्रिंक मिक्सचर और चॉकलेट्स के अलावा लेके आ बोले, तो ये चूज करे तो ये दिला दिए, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट कृष्णा अपने हाई स्कूल में जाने वाले हैं, तो भाई ये ईयर लास्ट है उनका। करेंटली जो ग्राउंड है इससे बहुत बड़ा वाला ग्राउंड मिलने वाला है उनको नेक्स्ट ईयर से, वहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए। थैंक यू। तो भाई ये व्लॉग को यहीं तक रखेंगे, आई होप ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय, टेक केयर। कोई तेरी सूरत देगा तो बोलता हो ढेकार तुम्हारा बोल के।